गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने थंब का यूज़ करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से हम सांस लेंगे और राइट से सांस छोड़ेंगे। तो इनहेल मीन्स श्वास लेना और एक्सहेल मीन्स श्वास छोड़ना। तो हम अपने राइट हैंड का जो थंब है इससे हम राइट नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे और ऐसे हाथ सीधे रखेंगे हम फिंगर्स को और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर एक बार और तो ऐसे हम पहले लेफ्ट नोशन से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल। इसके बाद हम जस्ट अपोजिट करेंगे, राइट नोशन से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो इसके लिए हम अपना जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब यूज़ करेंगे। तो पहले हम अपने लेफ्ट नोशन को बंद करेंगे और राइट से इनहेल करेंगे। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसका हम जो प्रैक्टिस है 5 से 10 बार 5 to 10 times जो हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे और 5 to 10 times जो हम राइट नोस्ट्रिल से करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम करने के लिए बैकबोन हम सीधे रखेंगे और जो पेट है उसको अंदर और बाहर लेके जाएंगे और तेजी से स्ट्रोक बनाएंगे। तो आज हमने किए 2 प्राणायाम। पहला हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा हमने किया है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति के जब भी हम कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो 20 का हम सेट करेंगे और धीरे धीरे हम इसको जो है इंक्रीज करते जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।